प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। आषाढ़ मास की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी देव शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है। यूँ तो सभी एकादशियाँ श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन देव शयनी एकादशी का अपना ही महत्व है। इस बार देव शयनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 जून बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। यूँ तो एकादशी तिथि 28 जून को ही लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार इसका व्रत पूजा पाठ का जो विधान है वो 29 जून के दिन ही किया जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। साल की सभी एकादशियाँ श्रीहरि विष्णु को समर्पित हैं। सभी एकादशी तिथि में श्रीहरि विष्णु की पूजा पाठ आराधना करने का विधान है, लेकिन देव शयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन देव शयनी एकादशी से ही श्रीहरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं, और इसी के साथ शुरू होती है चातुर्मास की भी। चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और पृथ्वी का पालन पोषण भगवान शिव के हाथों में होता है। इसी के साथ यानी कि चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही जो सभी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, ये सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं। आइए जानते हैं कि देव शनि एकादशी के दिन आपको पूजा पाठ किस तरीके से करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, और आप दान में क्या क्या चीज़ें आपको इस समय पर देव शनि एकादशी में ज़रूर देनी चाहिए। सबसे पहले पूजा विधान समझते हैं। इस दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्री हरि विष्णु की मूर्ति एक पीले आसन पर विराजमान करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का आप जलाभिषेक ज़रूर करें। अगर आपसे हो सके तो आप भी पीले वस्त्र धारण ज़रूर करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही आप श्री हरि विष्णु के समक्ष धूप दीप दिया करें, वहीं उनको फल और फूल भी अर्पित करें। उन्हें हो सके तो पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ में आराधना में तुलसी दल का बहुत विशेष महत्व होता है, तो इस दिन उनके भोग के लिए आप तुलसी दल उन्हें अर्पित ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी दल एकादशी तिथि के दिन तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख सकते हैं। अगर तुलसी दल ना तोड़ पाएँ तो आप श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला भी अर्पित ज़रूर कर सकते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उपवास के समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो उपवास कर रहे हैं, उपवास का अर्थ होता है भगवान के समक्ष रहना, उनके मंत्रों का जप करना, उनके पाठ करना, एकादशी तिथि का जो व्रत की कथा होती है उसका पाठ करना, भगवान के ध्यान में मग्न रहना उपवास का अर्थ होता है। तो जिस दिन जब आप एकादशी तिथि को आप व्रत करते हैं, श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठ करके उनके मंत्रों का जप आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको ये जो व्रत रखना है ये फलाहार ही रखना चाहिए, क्योंकि इसका पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। इस व्रत को, ये जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। ये व्रत तन मन की शुद्धि तो देता ही है, इसके साथ ही ये बहुत ही सुख समृद्धिदायक भी होता है। अगर दंपति यानी पति पत्नी एक साथ मिलकर के इस व्रत को करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और आराधना करते हैं, तो उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी ज़रूर प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन देव शयनी एकादशी के दिन आपको किन मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मंत्र की बात की जाए तो आप श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर हम दूसरे मंत्र के जप की बात करें तो आप ओम अम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल आपको रखना है कि जो मंत्र की जप संख्या होनी चाहिए वो 108 होनी चाहिए। तो कम से कम 108 बार तो मंत्र जप ज़रूर करें। तीसरे मंत्र की बात की जाए तो ये मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको श्री हरि विष्णु के सहस्र नाम का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही एकादशी व्रत की कथा भी इस दिन आप ज़रूर पढ़ें।
अगर हम दान की बात करें तो इस दिन आपको मौसमी फल दान में ज़रूर देना चाहिए। आप आम दान में दे सकते हैं, इसके अलावा अन्न भी आप दान में ज़रूर दे सकते हैं। वहीं आप कपड़े का दान भी इस दिन ज़रूर करें, जिससे आपको भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, उनकी कृपा ज़रूर प्राप्त हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।